मुंबईकरों को जल्द ही शहर में समुद्र के किनारे स्वतंत्र रूप से साइकिल चला सकेंगे। बांद्रा किले और माहिम किले के बीच 3.59 किलोमीटर साइकिल ट्रैक और बोर्डवर्क के प्रस्ताव को वनपा ने हाल ही में मंजूरी दिया है। इस परियोजना पर 218 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इस परियोजना को अगले 1.5 साल में पूरा करने की संभावना है। शहर के तीनों तरफ समुद्र तट होने के नाते ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ समुद्र किनारों का सौंदर्यीकरण करने की भी योजना है। मुंबई में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने अगस्त 2021 में मुंबई मनपा को कोई प्रस्ताव दिया था, जिसे धीरे धीरे मनपा ने अब बढ़ावा दिया। उनमें से एक प्रस्ताव को माहिम किले से बांद्रा किले तक साइकिल ट्रैक को हाल ही में मनपा ने मंजूरी दे दी है। ये परियोजना पूरी होने पर बांद्रा और माहिम समुद्र तट के किनारे साइकिल ट्रैक और बोर्डवॉक का लाभ मुंबईकर ले सकेंगे। इस परियोजना को पूरा होने में 1.5 साल का वक्त लगेगा। मनपा इस परियोजना को साल 2021 की शुरुआत में मंजूरी देने के पक्ष में थी, लेकिन कोरोना के दौरान मुंबई मनपा की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई थी। तिजोरी पर भार को देखते हुए मनपा ने इस प्रस्ताव को सुरक्षित रखा था। अब करीब 15 महीने बाद मुंबई मनपा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना के पूरा होने के बाद 10 साल तक रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।